सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम ब्लर बैकग्राउंड ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का पिक्चर है जिसमें हम गणपति बप्पा की ड्राइंग ड्रॉ करेंगे जिससे, और इसमें हमें इस तरीके का बैकग्राउंड मिला है, तो बिल्कुल ब्लर है बैकग्राउंड, तो इसे ड्रॉ करेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल ईजी मेथड्स होने वाले हैं, तो ईजी मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करना और फॉलो करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने खजाने के पिटारे से HB पेंसिल निकालनी है, और किसी भी ब्रांड की हो सकती है। और जहाँ जहाँ हमें बैकग्राउंड ड्रॉ करना है पूरे अच्छे तरीके से शेड कर दो इससे और ब्लेंड कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें 2B पेंसिल से शेड करके ब्लेंड कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना, शेड करते वक्त पेंसिल को बिल्कुल पीछे की तरफ से होल्ड करना है। देखो जिस तरीके से मैंने किया हुआ है सेम इसी तरीके से करना है। ब्लर इफेक्ट में जो सर्कल टाइप से होते हैं तो उन्हें देने के लिए हम 5 रुपये का कॉइन इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी कॉइन हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से लेना है और जहाँ जहाँ पिक्चर में दे रखे हैं सर्कल उस तरीके से हमें इरेजर से इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और उसमें मतलब हमें इरेज कर देना है जहाँ जितना भी सर्कल था उसी इरेजर से। आपके पास अगर इस तरीके की इरेजर नहीं है तो किसी मतलब बड़ी सी इरेजर को कट करके पतली सी उससे इरेज कर सकते हैं इजीली। और जहाँ जहाँ सर्कल है अब इस तरीके से कर दो। रियलिस्टिक सा फील लाने के लिए हमें जो सर्कल हमने इरेज किया है उसके अंदर हम जो ब्रश है हमारे पास उससे हम थोड़ा थोड़ा सीड कर देंगे। मतलब ब्रश पे हमेशा ही कुछ ग्रेफाइट के पार्टिकल चिपके रहते हैं तो उसी से सीड हो जाएगा, पेंसिल से हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें कर देना है, और थोड़ा ध्यान देना है कि अगर फ़ोटो में जिस तरीके से सर्कल अंदर से थोड़े डार्क हैं तो उस हिसाब से हमें इरेज करते हुए चलना है। ज़्यादा इरेज नहीं करना है, जिसमें जिस सर्कल में ज़्यादा इरेज नहीं है, ज़्यादा वाइट नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा मत करना इरेज। बाकी वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपके पास चारकोल पाउडर है तो जहाँ जहाँ हमें मतलब पिक्चर के हिसाब से डार्क है और जो सर्कल के साइड में ज़्यादा डार्क एरिया है तो हमें वो डार्क करना है उस चारकोल पाउडर से। और चारकोल पाउडर नहीं है तो किसी डार्क पेंसिल को घिस लेना पेपर पे, और फिर जो उसका ग्रेफाइट होगा उससे कर सकते हैं, उससे भी काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। और डार्क कर देना हमें सर्कल के आसपास बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो जो ब्लर इफ़ेक्ट है और ज़्यादा उभर के आएगा।